ये कहानी एक ऐसे खतरनाक साई की है जिसे अंधेरा पसंद है और वो कभी उजाले में नहीं आ सकता। इसलिए शाम होने के बाद या अंधेरा होने के बाद ये खतरनाक साया लोगों को मारना शुरू कर देता है। इस फिल्म की शुरुआत में रात के अंधेरे में एक टेक्सटाइल कंपनी को दिखाया जाता है जिसमें फैक्ट्री का मालिक पॉल काम कर रहा था कि तभी उसके बेटे मार्टिन का कॉल आता है। मार्टिन अपने डैड यानी पॉल को बताता है कि उसकी मॉम की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, वो हमेशा अपने आप से बात करती रहती है। इसके बाद पॉल अपने बेटे से जल्दी घर आने को कहता है। तभी वहाँ पॉल की असिस्टेंट आती है और जाने को कहती है, जिसके बाद वह स्टोर रूम में जाकर स्टोर रूम की लाइट बंद करती है तो उसे वहाँ पर एक काला साया दिखाई देता है जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और जल्दी से लाइट ऑन कर देती है। जब लाइट जलती है तो वहाँ कोई नहीं होता, उसे लगता है ये उसका भ्रम है। लेकिन जब वो लाइट बंद करती है तो उसे फिर से वही काला साया दिखाई देता है और बार बार ऐसा करने पर अचानक से वो साया उसके पास आ जाता है जिसका चेहरा बेहद डरावना और काला होता है। जिसके बाद वह भागकर पॉल के पास जाती है और कहती है कि उसने स्टोर रूम में कुछ अजीब सा देखा है, लेकिन पॉल उसकी बातों को इग्नोर करके उसे जाने को बोल देता है। कुछ देर बाद पॉल अपने केबिन से बाहर आता है तो वो देखता है कि कोई कॉरिडोर पर बैठा है। वो समझता है कि वो उसकी असिस्टेंट है, इसीलिए वह उसका नाम पुकारता है। लेकिन तभी वह साया खड़ा हो जाता है जिसके हाथ की उंगलियां बहुत लंबी लंबी हैं। तभी लाइट बंद हो जाती है और जब वो पीछे देखता है तो वह साया उसके पीछे खड़ा होता है। पॉल समझ जाता है कि यह साया रोशनी में नहीं आ सकता और वह भागते हुए अपने केविन की तरफ जाने लगता है, लेकिन रास्ते में वो गिर जाता है और फिर वो साया पॉल को मौत के घाट उतार देता है। पॉल की मृत्यु के कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि उसका बेटा मार्टिन अपने बेड पर लेटा है। मार्टिन को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन जब वो अपनी मॉम के कमरे के पास जाता है तो वह देखता है कि उसकी मॉम किसी से बात कर रही हैं, पर वहाँ कोई नहीं होता। मार्टिन की मॉम उसे ऐसा करते देख लेती हैं और पूछती हैं कि क्या हमने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया, अब तुम जाओ जाकर सो जाओ, इस तरह रात में बच्चे नहीं सिर्फ बड़े भटकते हैं। यह सब देखकर मार्टिन बुरी तरह से डर जाता है क्योंकि उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता और वह सोचता है कि उसकी मॉम किसी से बात कर रही थी। जाते समय जब वो अपनी मॉम के कमरे की तरफ देखता है तो उसे उसकी मॉम के पीछे बहुत बड़ा काला साया दिखाई देता है। यह देखकर मार्टिन बुरी तरह से डर जाता है और वह भागकर अपने कमरे में चला जाता है और अपने कमरे को लॉक कर देता है। तभी अचानक बाहर की लाइट बंद हो जाती है और कोई बाहर से उसके दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगता है। साथ में उसके बेड के पास रखा टेबल लैंप भी अपने आप जलने बुझने लगता है। अपने घर में इस तरह की घटना को देखकर वह पूरी रात सो नहीं पाता और अगले दिन मार्टिन स्कूल में जाकर सो जाता है। मार्टिन की टीचर मार्टिन के घर पर फोन लगाती है, लेकिन जब उसकी मॉम फोन नहीं उठाती तो उसकी सौतेली बहन रिवेका को कॉल करके बुलाती है और उससे मार्टिन के बारे में बात करती है। रिवेका मार्टिन को उसके घर ले जा रही होती है कि तभी मार्टिन आज रात उसके साथ रुकने की कहता है, लेकिन रिवेका उसे मना कर देती है। इसके बाद रिवेका और मार्टिन मॉम के घर पहुंचते हैं। तब रिवेका मार्टिन से पूछती है कि मॉम से कोई मिलने आता है। मार्टिन बताता है कि उसका नाम डायना है। इस नाम को सुनकर रिवेका हैरान हो जाती है क्योंकि वह इस नाम से बहुत पहले से वाकिफ थी। जब वो अपनी मॉम से मिलती है तो वो अपनी मॉम के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खोलती है और वह उसमें झांक कर देखती है, लेकिन वह काला साया झटके से दरवाजे को बंद कर देता है। इसके बाद उसकी बहन रिवेका मार्टिन को अपने घर ले जाती है और दोनों सो जाते हैं। लेकिन रात में जब रिवेका की आंख खुलती है तो वह देखती है कि मार्टिन बिस्तर पर नहीं है और वह दरवाजे के बाहर देखती है कि कोई फर्श को खुरच रहा था। वो लाइट जलाने की कोशिश करती है पर लैंप नहीं जलता, इसीलिए वो फेंटी लाइट जला देती है जो बार बार जलती और बुझती है। लेकिन अगली बार जब लाइट बुझती है तो वो साया रिवेका पर हमला कर देता है। जब लाइट बंद हो जाती है तो वही साया फिर से उसे दिखाई देने लगता है, लेकिन रिवेका लाइट जला देती है और वह काला साया वहाँ से चला जाता है। रिवेका बाथरूम में जाती है तो वो देखती है कि उसका भाई मार्टिन बाथटब में एक टॉर्च जलाकर सो रहा था और इसीलिए रिवेका अगले दिन समझ जाती है कि कोई बड़ा साया हमारा पीछा कर रहा है। रिवेका उस दरवाजे के पास जाती है जहाँ पर कल उसने वो साया देखा था। वो देखती है लकड़ी के फर्श पर कुछ लिखा था, लेकिन जब रिवेका उसे ध्यान से पढ़ती है तो उस पर डायना लिखा था। अब उसे सारी बात समझ आती है कि ये कोई कल्पना नहीं है बल्कि सच में एक काला साया है जिसे उसने अपने बचपन में महसूस किया था। उसे याद आता है
कि जब वो बचपन में अपनी मॉम के साथ रहती थी तब उसकी मॉम किसी डायना नाम के साये के साथ बात किया करती थी और इसीलिए वो पागल भी हो गई थी। इसके बाद रिबेका अपनी मॉम के घर जाती है और उसकी नज़र दीवार पर लगी एक तस्वीर पर पड़ती है जो उसकी मॉम की बचपन की फोटो थी। इस फोटो में उसकी मॉम के साथ एक लड़की खड़ी होती है जिसका नाम डायना था। उसका चेहरा बालों से घिरा था। बाद में वो अपनी मॉम का सामान चेक करना शुरू कर देती है जिसमें उसे अपनी मॉम के बचपन के मेडिकल रिकॉर्ड मिलते हैं जो एक मेंटल हॉस्पिटल के थे। अब उसे पता चलता है कि बचपन में उसकी मॉम एक मेंटल हॉस्पिटल में थी और वहाँ पर उनका डिप्रेशन का इलाज चल रहा था। हॉस्पिटल में उसकी मॉम के साथ एक लड़की खड़ी थी जिसका नाम डायना था और उस लड़की का उसकी मॉम के अलावा कोई दोस्त नहीं था। उसकी स्किन में एक अजीब सी बीमारी थी जिस वजह से जब भी वह धूप में या रोशनी में जाती तो उसकी स्किन जलना शुरू हो जाती थी। एक दिन हॉस्पिटल वाले इंटेंस लाइट में एक्सपेरिमेंटल सर्जरी कर रहे थे तो इसी बीच डायना की मौत हो जाती है। यह सब जानकर रिबेका को समझ आता है कि डायना उसकी मॉम के साथ क्या कर रही है। जिस कमरे में रिबेका वो डॉक्यूमेंट्स देख रही होती है उसका दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है और डायना उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड आकर उसे बचा लेता है। दोनों देर न करते हुए फौरन वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद मार्टिन और उसकी मॉम घर आते हैं और उसकी माँ घर पर ही मूवी देखने का प्लान बनाती है। इस बात को सुनकर मार्टिन पूरी तरह से डर जाता है। रात को मार्टिन और उसकी मॉम टीवी देख रहे होते हैं तभी अचानक मार्टिन की मॉम लाइट बंद कर देती हैं। यह देखकर मार्टिन डर जाता है और उसकी मॉम लाइट नहीं जलाती, जिसके बाद वह कहानी सुनाना शुरू कर देती है। तभी अचानक डायना मार्टिन के सिर के पास आकर बैठ जाती है और मार्टिन जल्दी से लाइट जलाने के लिए भागता है, लेकिन डायना उसे रोकना चाहती थी इसलिए वह उसकी मॉम को पीछे गिरा देती, लेकिन तब तक मार्टिन लाइट जला चुका था। मार्टिन भागकर अपनी बहन के घर जाता है और उसको सारी बात बताता है। रिबेका मार्टिन से कहती है कि मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ। रिबेका मार्टिन को कहती है कि डायना के पास दूसरों के दिमाग में घुसकर उसे कंट्रोल करने की शक्ति है, इसीलिए उसने हमारी मॉम के दिमाग को अपने कब्जे में कर लिया है। उसने हमारी मॉम को यह बताया कि वो उनकी सबसे अच्छी दोस्त है, लेकिन जब उसका इलाज चल रहा था तभी डायना की मौत हो गई थी। रिबेका कहती है कि हमें मॉम को उनकी दवाइयाँ देना शुरू करना होगा ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए और डायना की गिरफ्त से आज़ाद हो जाए। इसी बीच कोई बाहर का दरवाजा नॉक करता है। जब रिबेका दरवाजा खोलने के लिए जाती है तो मार्टिन को वही साया बेड के नीचे खींचना शुरू कर देता है, लेकिन रिबेका अपने भाई का हाथ पकड़कर उसे वापस बाहर खींच लेती है। इसके बाद रिबेका अपने बॉयफ्रेंड और मार्टिन के साथ अपनी मॉम से मिलने उनके घर चलते हैं। रिबेका अपनी मॉम से पूछती है कि क्या आप हमें डायना के बारे में कुछ बताना चाहेंगी। पहले तो वह इस बारे में कुछ भी बताने से मना कर देती है, लेकिन जब रिबेका अपनी मॉम को उनकी और डायना के साथ वाली फोटो दिखाती है तो वह मान लेती है कि डायना उनकी बचपन की दोस्त है। इसके बाद रिबेका मार्टिन को अपने घर ले जाने की बात कहती है, पर मार्टिन कहता है मॉम को हमारी जरूरत है और हमें यहीं रुकना चाहिए और वैसे भी डायना कहीं भी आ जाती है। तब रिबेका मार्टिन और उसका बॉयफ्रेंड तय करते हैं कि वह रात को यहीं रुकेंगे, इसीलिए सब मिलकर पूरे घर की लाइट जला देते हैं। इसके साथ ही मार्टिन बहुत सारी कैंडल भी जला देता है क्योंकि वह चाहते थे कि वह घर में ज्यादा से ज्यादा उजाला कर सके जिससे कि वह डायना से बच सके। वहीं रिबेका अपनी मॉम से मिलने उनके कमरे के पास जाकर नॉक करती है। तभी उसकी मॉम बाहर आकर उसको आई लव यू बोलती है और रिबेका के हाथ में एक लेटर पकड़ा देती है। तभी डायना उसकी मॉम को अंदर खींच लेती है और गेट बंद हो जाता है। रिबेका अपनी मॉम के दिए लेटर को पढ़ती है और समझ जाती है कि उसकी माँ को उसकी मदद चाहिए डायना से बचने के लिए। इसके बाद रिबेका अपने कमरे में जाकर अपने भाई मार्टिन के साथ सो जाती है, लेकिन जब रात में उसकी आँख खुलती है तो वह देखती है कि पूरे घर की लाइट बंद है। रिबेका के पास बस एक कैंडल जल रही थी। इसके बाद वह इमरजेंसी लाइट लेकर बाहर अपने बॉयफ्रेंड को देखने जाती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड वहाँ नहीं होता। रिबेका बेसमेंट में जाती है ताकि वह पूरे घर की लाइट का मेन स्विच ऑन करके जला सके। इधर मार्टिन की भी आंखें खुल जाती हैं और वो देखता है कि पूरे घर की लाइट बंद है, इसीलिए वह जल्दी से अपने हाथ में कैंडल पकड़कर अपनी बहन को ढूंढने कमरे से बाहर आ जाता है। पर तभी डायना मार्टिन पर हमला कर देती है, लेकिन मार्टिन बच जाता है और वह अपनी बहन को ढूंढते हुए बेसमेंट तक पहुंच जाता है। अब रिबेका और मार्टिन दोनों ही बेसमेंट में फंस चुके हैं।
इसीलिए रिवेका अपने बॉयफ्रेंड को दरवाजा खोलने के लिए बुलाती है। लेकिन जब रिवेका का बॉयफ्रेंड दरवाजा खोलने के लिए आता है तो डायना उसे पीछे से पकड़कर ऊपर उठा देती है, इससे पहले कि वह उसे नुकसान पहुंचाती। रिवेका का बॉयफ्रेंड अपनी पॉकेट से कार का रिमोट निकालकर कार की लाइट जला देता है और रोशनी होने की वजह से डायना वहां से भाग जाती है। जब रिवेका और मार्टिन स्टोर रूम में रखे सामान को देख रहे होते हैं तो उन्हें एक अल्ट्रा वॉलेट लाइट मिलती है। इधर रिवेका की मॉम कमरे से बाहर आती हैं और वह अपने बच्चों को बचाना चाहती हैं, लेकिन तभी डायना उन पर हमला कर देती है और वह दीवार से टकराकर बेहोश हो जाती है। इधर रिवेका जब स्टोर रूम में कुछ देख रही होती है कि तभी डायना रिवेका पर हमला कर देती है, लेकिन इससे पहले डायना रिवेका को मारती वहां मार्टिन आ जाता है और वो इमरजेंसी लाइट जलाकर अपनी बहन की जान बचा लेता है। मार्टिन देखता है कि उनके पास जो इमरजेंसी लाइट है उसकी बैटरी ज्यादा नहीं चलेगी और इस बात से दोनों घबरा जाते हैं। पर तभी रिवेका का बॉयफ्रेंड दो पुलिस वालों को लेकर वहां पहुंच जाता है और पुलिस वाले बेसमेंट का दरवाजा खोल देते हैं। रिवेका पुलिस वालों से कहती है कि वो टॉर्च लेकर जाएं, लेकिन पुलिस वाले उसकी बात नहीं सुनते और डायना पुलिस वालों को मार देती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड वहां आ जाता है और रिवेका मार्टिन को वहां से जाने को कहती है, लेकिन मार्टिन उसकी बात नहीं सुनता। जब रिवेका अपनी मॉम को बचाने के लिए उनके कमरे के पास जा रही होती है तभी डायना उस पर हमला कर देती है और उसे नीचे फेंक देती है। तभी रिवेका की मॉम वहां आ जाती है और वह कहती है कि मैंने तुमसे कहा था मेरे बच्चों से दूर रहो, और फिर वो उस पर गोली चला देती है, लेकिन डायना को कुछ नहीं होता। रिवेका की मॉम अपने सिर पर बंदूक रख देती है और बोलती है कि जब मैं ही नहीं रहूंगी तो तुम भी नहीं रहोगी। इसके बाद वह खुद को गोली मार लेती है। रिवेका की मॉम के साथ डायना का भी अस्तित्व खत्म हो जाता है और इस तरह से इस फिल्म के भूत का एंड होता है और मूवी खत्म हो जाती है।